चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज हमारी फैक्ट्री बंका मशीन में और अंदर क्या क्या काम चल रहा है उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है वो एक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस बेंच ग्राइंडर का या पेडेस्टल ग्राइंडर आप जो भी कहो, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे चक भी है और यहाँ पे आप ऐसी अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थोड़ा दिन हफ्ते भर वेट कर लीजिए, तब तक में यह आ जाएगा। और यहाँ पर महेश काम कर रहा है सरफेस ग्राइंडर, हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर के अंदर। ये स्लॉटिंग मशीन है, देखिए ये वाला जो स्लॉटिंग मशीन है उसका कलर का काम चल रहा है। और ये वाला जो दोनों स्लॉटिंग मशीन है ये कलर होने के बाद बिल्कुल रेडी है। और एक छोटा प्रेस, ये प्रेस जो है वो हैंडल से चलता है, मतलब हैंड ऑपरेटेड प्रेस है। ये बहुत छोटा मशीन शॉप जो शुरू कर रहे हो, नया मशीन शॉप शुरू कर रहे हो और जिन्हें पैसों की किल्लत हो, ये लोग ये हैंड ऑपरेटेड लेते हैं, लेकिन ये आज के ज़माने में बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। ये वाला मोटराइज हाइड्रोलिक प्रेस है और मेरे हिसाब से ग्राहकों को यही खरीदना चाहिए क्योंकि इसके अंदर काम करने में बहुत सहूलियत होती है। ये जो मशीन है वो हमारी सबसे फेमस पावर हाउस बंका 60 9 फिट की मशीन है और इसमें लिखा गया है कि 1500 mm का काम कर सकते। जयदेव अपना इस लेथ मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर लगा रहा है। और ये यहाँ आप देखेंगे कलर किया हुआ मशीन इस वाले यूनिट में, जहां पर बड़े मशीन खड़े हैं उस, ये सब बड़े मशीन में से ये एक ही मशीन कलर किया हुआ है, बाकी सब मशीन प्रोसेस में है। अब आप किसी भी मैन्युफैक्चर का प्रोडक्शन फ्लोर देखो और वहां पर आपको कलर किए हुए मशीन कम दिखाई दे और प्रोडक्शन में ज्यादा दिखाई दे, उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही मशीन का कलर हो जाता है तब तक उन्हें ग्राहक मिल जाते हैं और ग्राहक मिल जाता है तो उसका प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है। मेरा ये कहना है कि किसी भी मैन्युफैक्चर से आप जुड़ने से पहले उससे वीडियो कॉलिंग के जरिए उसका प्रोडक्शन फ्लोर देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आप 15-20 साल में एक आध बार लेते हैं। प्रोडक्शन फ्लोर देखने से उसका वर्कमैनशिप, वो कैसे मशीन को बनाते हैं, कैसे पुर्जे इस्तेमाल करते, कई बातें आप वीडियो कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं। ये मशीन अभी कलर होने की तैयारी में है, देखेंगे तो ये मशीन हफ्ते 10 दिन के अंदर ग्राहक को मिल जाएगा। वो वाला भी 9 फिट का मशीन है, ये वाला भी 9 फिट का है, उसमें भी 1500 का काम, यहाँ भी 1.5 मीटर का काम। कहने का मतलब 1.5 मीटर वाला मशीन हमारा ज्यादा बिकता है, लेकिन यहाँ आपको दो मशीन 50 के भी दिखाई देंगे। और ये दोनों 50 के मशीन में क्या अंतर है, 7 फिट का ये मशीन है उसमें 2 लेग है और ये वाला जो मशीन है वो 9 फिट का है लेकिन उसमें 3 लेग है। लेकिन तीसरा लेग इस लंबे मशीन में इसलिए जरूरी है कि नीचे थोड़ा वेट बढ़ जाने की वजह से जब मशीन हाई आरपीएम में चल रहा हो तो वाइब्रेशन कम आता है, और दूसरा जो बेड है उसका जब हम लेवल करते हैं तो कॉनकाव या कॉनवेक्स, हमें जो लेवल से उसका एक्यूरेसी लेना है उसमें हमें तीसरा लेग फायदा दिलाता है और ये आप लोगों को भी जीवन भर फायदा दिलाएगा। तो
बस यही समझने वाली बात है कि इसमें 9 फीट के मशीन में इसमें 3 लेग है। यहाँ पर एक मशीन आपको प्लानो बेड वाला दिखाई देगा। इस बेड में लेग नहीं होते, लेकिन ये बड़ा मशीन है, इसकी सेंटर हाइट भी बड़ी है। अभी ये बन रहा है, जो हमारा 6-0 मॉडल है उससे थोड़ा बड़ा ये मशीन बन रहा है। और जब ये बनेगा तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं। और इसमें है ना, ये जो कैरेज है वो सब यहाँ रेडी है। बाकी आगे मैं कुछ बातें बताता हूँ जो यहाँ प्रोडक्शन में चल रहा है। ये बैंडसो मशीन है। बैंडसो मशीन बेसिक मेटल को काटने के लिए, ये हर मशीन शॉप में जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी जॉब बनाएंगे तो सबसे पहले मेटल को काटना पड़ता है, और मेटल को काटने के लिए इस ये जरूरी है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो बेड है ना, उसका ड्रिलिंग काम चल रहा है। तो बेड का ड्रिलिंग काम और उसके ऊपर लेग लगाने का ड्रिलिंग काम, ये सब जब हो जाए तो मशीन यहाँ खड़ा हो जाता है, और उसके ऊपर फिर फिटर लोग काम करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ आपको छोटे मशीन के इस वर्कशॉप में मैं बताऊंगा कि यहाँ 43 मॉडल के 1, 2, 3, 4 और 5, अच्छे 5 8 फुट वाले जो 1500 mm के मशीन है वो रेडी पड़े हुए हैं। और इनमें से मुझे लगता है कि शायद 2 मशीन डिस्पैच होने की करार पर आ गया है, मतलब उसका ऑर्डर आ गया है, और 2 मशीन ये आजकल में ही डिस्पैच होंगे। कैसे पता चलता है मुझे, देखो यहाँ पर है ना, ये 2 मशीन में मोटर लगा दिया है, ये 3 मशीन में अभी मोटर लगाना बाकी है। यहाँ देखिए, ये हमारा एक छोटा जगह है जहाँ हम सिर्फ गियर बॉक्स बनाते रहते हैं। ये मिनी लेथ के हेड है, ये वाले जो हेड है वो बड़े वाले मशीन के हेड है, वहां पे कुछ पड़े हैं वो 4043 वाले मॉडल के हेड स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब मशीन के पुर्जे खुले हुए पड़े हैं। देखिए इसमें स्क्रू नहीं है, तो मतलब ये कि काम कर लेने के बाद, पूरा ट्रायल ले लेने के बाद हमने इस मशीन को खोल दिया है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये है ना, जो हेड स्टॉक के अंदर के गियर होते हैं ना, उनमें कोई कोई गियर में नॉइस लेवल ज्यादा होता है, और ये नॉइस लेवल जो ज्यादा है उसे कम करके आपको देना पड़ता है, बदली करने पड़ते हैं। जो बदली करने चाहिए वो अभी चेक कर रहा है और बदली करेगा। तो मैंने आपको बताया कि मशीन का ट्रायल हो जाने के बाद हेड स्टॉक के अंदर हमें फिर से कुछ काम करना पड़ता है, और फिर वो काम कर लेने के बाद हेड स्टॉक को फिट कर देते हैं, उसका ऑयल का लीकेज चेक करते हैं, और उसका नॉइस लेवल चेक करते हैं, मशीन का वाइब्रेशन चेक करते हैं, और फिर उसे कलर में दे देते हैं, ताकि कलर हो जाने के बाद हमें ज्यादा दिक्कतें ना उठानी पड़े। यहाँ पर कुछ मशीन बंका 43 1 मीटर के पड़े हैं। हमारे ये जो 1500 mm वाले मशीन है ना, जो 43 के, वो ज्यादा बिकते हैं। इस तरह से ये मशीन डिस्पेच होने से पहले ये जो हम एसेसरीज लगा रहे हैं ये सब भी हमें चेक करनी होती है। और एक खास बात, ये जो मोटर है ना वो कब से चालू है, तो ये मोटर कितना हीट करेगा ये भी महेश चेक कर लेगा। ये बंका 34 के 1, 2, 3, बस सिर्फ 3 ही मशीन पड़े हैं। ये 3 ही मशीन क्यों पड़े हैं,
देखिए ये नए बन रहे हैं, ये 8 बने थे, 3 ही पड़े हैं, 5 चले गए। बंका 34 बहुत सस्ता मॉडल है, और सस्ता मॉडल होने के साथ साथ ये जो गांव में नया मशीन शॉप शुरू करने वाले लोगों को, वो इसे ज्यादा पसंद करते हैं और ये ले जाते हैं। तो हमारे कई ग्राहक ऐसे हैं जो हफ्ते में 1-2-3 दिन छोटा मोटा काम करते हैं, वो ये ले जाते हैं। जिसे पूरा दिन काम करना होता है उसे तो 40 या 43 ही लेना पड़ेगा। देखिए मेरे पास ये गन है हीटिंग का, आ गया, मैं हीटिंग चेक करता हूँ। चलो अब मैंने यहाँ पर बेरिंग के ऊपर लगा दिया, अब मुझे कितना हीटिंग दिखाता है। चलो ये 38, और यहाँ पे लगाया नीचे, अब देखो नीचे लगाया तो बेड में 30, और यहाँ लगाया तो 38। अब मोटर को लगाता हूं, मोटर कितना हीट हो रहा, बहुत ही कम, 32। ये 40 मॉडल की कितनी मशीन पड़ी है, 1-2-3-4-5-6। कहने का मतलब है अगर आप 40 की मशीन खरीदना चाहते हैं तो 6 मशीन है, आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी, और ये हमारी फास्ट मूविंग मशीन है। जो भी ग्राहक होते हैं वो ये मशीन जल्दी से ले लेते हैं। लेकिन इसमें से डिस्पैच कौन सी हो रही होगी, मुझे लगता है ये 2 मशीन है और उसमें मोटर लगी हुई है। एक से लाइन में आपको दिखेंगे कि बहुत सारे टेल स्टॉक पड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ ड्रिल मशीन है 50 mm की, 40 mm की, और मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन में देखिए, इस मशीन में हमने नया वाला एक लेग भी लगाया है, बदलाव किया है, और ये लेग लग जाने से पहले ऐसा मशीन दिखता था और नीचे फैब्रिकेशन का लेग आता था, अब नीचे कास्ट आयरन का लेग लगा दिया है। तो कास्ट आयरन का लेग हेवी हो जाने की वजह से यहाँ बड़ा कट लगा पाएंगे ग्राहक, तो ये। लेकिन हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है, नया लोट में तो सभी मशीन ऐसे ही लेग वाले आ जाएंगे, लेकिन अभी ये एक मशीन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ नए वाले बनाए हुए रेक्स दिखेगी, और रेक्स के अंदर हम अपना सामान रखने वाले, क्योंकि ये सामान देखो कैसा दिख रहा है। कोई आता है जब विजिटर्स हमारे यहाँ, तो वो इस तरह से फैक्ट्री को जब देखता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर हम सब सामान ठीक तरह से रखेंगे। वो रेक भी कलर होगा, कलर होने के बाद उसके ऊपर सब सामान लगा देंगे। कहीं भी जाओ, ये हमारा शिव कुमार हमें दिखता है, हर जगह वो चक्कर लगाता रहता है। अब देखते हैं आगे, जहां पर हम जो अपना बेंच ग्राइंडर का शूटिंग कर रहे थे वो कहां तक पहुंचा है, और वहीं पर हम वीडियो का एंड भी कर देंगे। क्योंकि हम ऐसा वीडियो इसलिए बनाते हैं कि भरोसा बना रहे हमारे ग्राहकों के साथ, वो जानना चाहते हैं कि अभी बंका मशीन में क्या काम चल रहा है, वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीन को, वो कैसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो ये अभी जो एक बेंच ग्राइंडर है उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये 3-in-1 बेंच ग्राइंडर है, इसमें 3 प्रकार के काम हो सकते हैं एक ही साथ, जैसे पॉलिशिंग, जैसे ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग। तो ये वाला कहीं ग्राहक डिमांड करते हैं, हम बेचते भी है, लेकिन इसका वीडियो नहीं था हमारे पास, तो फिर सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए ताकि ग्राहकों को समझाने में हमें आसानी हो। दोस्तों वीडियो का अंत करते हुए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता रहता है। और अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।